दोस्तों, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए आप तरह तरह के खाना खाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं और उसके कारण अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जिसके कारण आपको खट्टी ढकारे आने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है, स्टमक में जलन होने लगता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वॉमिटिंग भी होती है, तो उसमें आपको एसिड निकलता है, गैस निकलता है, आपके मुंह में पानी आने लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं और आपको गैस की फॉर्मेशन होने लगती है, गैस बनने लगती है, तो उसके लिए मैं आपको ऐसा एकमात्र मेडिसिन बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, नॉनवेज का सेवन करते हैं, जिसके कारण आपको एसिड रिफ्लक्शन की प्रॉब्लम आती है, गैस बनने की शिकायतें आती है, उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रोटीन खाने से अगर आपको गैस बनता है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है रोबिनिया। दोस्तों, रोबिनिया अगर का ये लक्षण है, रोबिनिया में लक्षण देखने को मिलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन या नॉन वेज खाते हैं या अगर वेज में भी प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं अपने सेहत को ठीक करने के लिए, जिसके कारण प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और एसिड रिफ्लक्स करने लगता है आपके बॉडी में, आपको स्टमक में गैस ज़्यादा बनने लगता है, एसिड ज़्यादा निकलने लगता है और आपको खट्टी ढकारे होने लगती है, आपको वॉमिटिंग होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा भी पानी पीने में और खाना खाने से ऐसा लगता है कि खाना जो है सो स्टमक से लेकर के आपके मुंह में आ जाता है, आपको वॉमिटिंग की टेंडेंसी होने लगती है, मुंह में पानी भरने लगता है, खट्टी ढकारे बार बार आने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन चुका है, जिसके कारण आप बेचैन हो जाते हैं, सर दर्द होने लगता है और आपको कंस्टिपेशन भी हो जाता है, स्टूल पास नहीं करता है। उस कंडीशन में रोबिनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज यूज करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, ऑमलेट का यूज करते हैं या एग रोल वगैरह खाते हैं, इसके अलावा अगर आप ड्रिंकिंग भी करते हैं जिससे आपको ऐसा हो जाता है कि आपको एसिड बनने लगता है स्टमक में, और साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी ढकारे इतनी ज़्यादा होने लगती है कि आपको गैस निकलते निकलते परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते हैं। अगर आप लेटे रहते हैं, जिस करवट पे आप लेटते हैं उस करवट पे आपको सीने में दर्द होने लगती है और गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। जब तक गैस पास नहीं होता है तब तक आपको रिलीफ नहीं होता है। उस कंडीशन में रोबिनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर इस तरह के लाइफस्टाइल्स आपको पसंद है, आपको इस तरह के खान पान पसंद है, तो आप रोबिनिया का यूज ज़रूर करें और इस तरह की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो आपको हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है, अगर आपको गैस बन रहा है नॉनवेज के कारण या प्रोटीन के कारण या आपको स्पाइसी फूड भी
भी अगर ज़्यादा खा लेते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं उस कंडीशन में भी अगर आपको गैस बनने लगती है, एसिड ज़्यादा बनने लगता है, स्टमक में जलन होने लगता है, आप बार बार पानी पीते हैं, गले में भी दर्द होने लगता है, सीने में भी दर्द होने लगता है, जलन सीने में भी होती है और आपके थ्रोट में भी जलन होती है, बार बार पानी पीते हैं और पानी पीने से राहत मिलता है और कुछ देरों के बाद आपको वोमिटिंग हो जाता है और जो पानी आप पीते हैं वो बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में रोबिनिया बहुत अच्छी हेल्प करती है। दोस्तों रोबिनिया को आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, दो दो बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। कुछ दिनों तक लेने से ये आपके जो एसिड ज़्यादा बनाने की जो क्षमता है वो ठीक हो जाएगी और प्रोटीन को अच्छे से ये डाइजेस्ट कर देगी। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको जानकारी दी है, मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी मेडिसिन बैठे बैठे होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।